तो श्रीलंका वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स का मुकाबला कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोगों ने हांगकांग वुमेन और इंडिया ए वुमेन्स का मुकाबला मैंने कवर किया। और मैंने सारे भाइयों से बोला कि 3 मेंबर आप लोग खेलना स्टार्ट करो, सभी ने जम के प्रॉफिट उठाया। हमारा थोड़ा सा क्लेश हो गया, इसलिए 52,000 ही मिला। इनके अलावा इन भाइयों को ज़्यादा क्लेश नहीं हुआ, तो इन्होंने विन किया। तो हमारा तमाम यूजर्स ने सेम टीम से बहुत सारे स्क्रीनशॉट धरे पड़े, सारा दिखाना संभव नहीं है। तो मेरे भाई आप भी यहाँ पर श्रीलंका वुमेन और बांग्लादेश वुमेन्स का T20 मुकाबला सुबह के टाइम 6:30 बजे खेलना चाहते हैं, इनके लिए ओडिशा T20 बांग्लादेश अफगानिस्तान टेस्ट है, यानी हर अपडेट हर मैच विनिंग आपको मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा चीज़, फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ वो टीम भी आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। GL टीम भी देता हूँ, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, यानी विनिंग प्रॉफिट करने का सारा जरिया जो है वो टेलीग्राम चैनल है। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नजर आएंगे, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट जो होता है फर्स्ट कमेंट पे ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नजर आएंगे, तो उनसे आपको बचना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखा जाए बांग्लादेश वुमेन्स जो यहाँ पर मलेशिया के खिलाफ खेला था वुमेन्स के खिलाफ, तो यहाँ पर इस प्रकार से रहा, शुरुआती इनके 4 बल्लेबाज फुल फ्लॉप गए, लेकिन एम खातू जिनका देखोगे नेशनल टीम भी ये खेलती है और कई कबार ये ओपन भी आती है, तो 57 का योगदान दिया। एस अख्तर ये भी इंटरनेशनल मुकाबला खेल रखी है, पार्ट टाइम गेंदबाजी साथ में बढ़िया बल्लेबाजी। एन अख्तर सबसे बेस्ट इनके अगर यदि कोई स्पिनर गेंदबाज है तो एन अख्तर है, और सबसे बढ़िया फास्ट गेंदबाजी है, गजब की फास्ट गेंदबाजी करती है। तो एम अख्तर इंडिया के खिलाफ भी जबरदस्त इन्होंने गेंदबाजी किया था जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। एस अख्तर यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेंगे, एन अख्तर भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, एस खातून भी यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेंगे, रेहान खान और एस अख्तर दोनों में से किसी एक के साथ जाना चाहिए। वैसे रेबिया खान की बात की जाए तो ठीक ठाक इन्होंने प्रदर्शन किया, लेग स्पिन गेंदबाजी करती है, 2 विकेटें ले गई। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा कि दोस्तों श्रीलंका वुमेन यहाँ पर नेपाल वुमेन्स के सामने नतमस्तक दिखाई दी, तो वैसे देखा जाए करियर रिकॉर्ड के आधार पर तो आपको श्रीलंका वुमेन स्ट्रॉन्ग नजर आती होगी कि बांग्लादेश थोड़ा लो है, लेकिन बिल्कुल नहीं, दोनों टीम मैं समान नहीं मान रहा हूँ। बांग्लादेश मुझे तो कहीं कभार श्रीलंका वुमेन से भी स्ट्रोंग नजर आ जाता है, क्योंकि दोनों के पास जो प्लेयर है जबरदस्त प्लेयर थे, एक कांटे की टक्कर होगी, वन साइडेड टीम बिल्कुल भी बनाने का प्रयास मत करना। UAE वुमेन्स का यहाँ पर पहले बल्लेबाजी का यहाँ पर मौका मिला तो इनको 95 रनों के अंदर 10 विकेटें गंवा दी। इनके अलावा देखा जाए MM की बात की जाए मधु सिखा के, इनका सिलेक्शन 7% था, हम लोगों ने पिक किया था, हालांकि कुछ प्लेयर मिसिंग था वो बैकअप के तौर पे जिन्होंने खेला होगा, वन साइडेड विन किया। इनके अलावा एम सेहानी इंटरनेशनल प्लेयर है, 2 विकेटें ले गए। इनके अलावा एम मधु सहनी की बात करें, इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बढ़िया है, ऐसा नहीं कि इस मैच में 2 विकेटें लिया, ऐसे भी देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है। इनके अलावा रश्मिका सेवान देवी की बात की जाए, देखो इनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेग स्पिन गेंदबाजी करते, खासकर इस पर फोकस करना, GL का ट्रंप कार्ड, GL क्या यार, SL पे भी रिस्क लो, SL GL जो भी हो सबका ट्रंप कार्ड होने वाला है रश्मि का, 4 ओवर में 18 रन दिया, खास ध्यान रखना है। ये संध्या पानी की बात का इस मुकाबले में ये इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ में 3-4 ओवर तो ये स्पिन गेंदबाजी करती है, बल्लेबाजी भी ये 10 से 15 रन आसानी से जुड़ा सकती है। टिशवान देवी की बात किया, यहाँ पर 1 ओवर में 9 रन दिया, हालांकि ये नेशनल प्लेयर है लेकिन इनसे बहुत कम गेंदबाजी कराया जाता है नेशनल टीम पे भी और यहाँ पर भी, तो थोड़ा सा रिस्की चॉइस होगा लेकिन प्लेयर काफ़ी बढ़िया। वी गुणारत्ने की बात की, ये भी नेशनल टीम का हिस्सा है, नेशनल टीम में अक्सर ये खेला करती है। इनके अलावा यहाँ से कोई खास नहीं है। आई गुलानी की बात करें, इनका वनडे रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया, T20 रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है, बाकी सब साधारण सा नजर आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर गेंदबाज के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और कैप्टन VC भी उन्हीं के ऊपर देने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो Instagram पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों ये इस टीम को आप लोग ध्यान से देखो, ये टीम जो हमारा फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, फाइनल टीम जो आएगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएगी। अब यहाँ पर
कौन कौन सा है गेंदबाजी पे, यहाँ पर देखा जाए टी सुवान देवी इंटरनेशनल प्लेयर भैया जी, अगर ट्रम्प कार्ड मान लो चलो इस मुल्क में ज़्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। इनके अलावा यहाँ से देखा जाए एस अख्तर भैया, ये खतरा है, ये इंटरनेशनल प्लेयर है, पार्ट टाइम गेंदबाजी हो सकता है, दो तीन ओवर कर जाए, विकटे ले जाए और साथ में बल्लेबाजी भी बढ़िया कर लेते हैं, तो यहाँ से दिक्कतें हैं। बाकी ज़्यादा इन सब तो दिक्कतें हैं, नहीं दिक्कतें अब बल्लेबाजी में भैया, ये इंटरनेशनल प्लेयर अभी इनको कैसे आप छोड़ सकते हो। एम खातून इंटरनेशनल प्लेयर है भैया, इनको आप कैसे छोड़ सकते हो। एस मॉस्ट्री की बात कर, ये भी इंटरनेशनल खेल चुके, इनको कैसे छोड़ सकते हो भैया, इतने सारे बढ़िया प्लेयर और आपने यहाँ पर अश्मिका जो कि 5% सिलेक्शन इनको पिक किया, हालांकि ये गेंदबाजी जबरदस्त तो करता है, खतरा भरिया वहाँ है। अब यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में तीनों के तीनों विकेट कीपर लगभग समान है, किन्हीं का रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर नहीं है, जो रनआउट स्टंपिंग ज़्यादा बेहतर करेगा वही बेहतर है, बाकी 10-15 का एवरेज सारे लोग का है, तो मुझे ये बेहतर लगा, थोड़ा सा ऊपर आती है बल्लेबाजी के लिए, इस वजह से मैंने इनको पिक किया हूँ। बाकी बल्लेबाजी पे तीन खतरा, ऑलराउंडर पे एक खतरा, गेंदबाजी पे एक खतरा, तो इन सब से आपको संभलना है, बाकी ये टीम आप सेव करके रख लो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ मेरे भाई, अगर यदि हमारे साथ खेल रहे हो हमारे, तो हमारे वीडियो को आपको देखना होगा, वीडियो में मैं जो बताता हूँ उनको फॉलो करना होगा, इन्वेस्ट अभी बिल्कुल नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा। जैसे मैंने बोला अंडर 19 में जीएल प्ले करो, जीएल अच्छा गया, जैसे मैंने सुबह टाइम बोला कि बहुत सारे लीग खाली जा रहा है, जो जितना टीम लगा सकते हो 20 टीम लगाओ, एक भी रुपया लॉस नहीं होगा, वो भी सही गया। फिर इंडिया वुमेन हांगकांग वुमेन मैंने बोला 3 मेंबर सारे लोग खेलो, वो भी शानदार गया, तो हमारे अनुसार खेलो ना, मैं बोलता भी नहीं हूं, बहुत सारे लोग पहले से स्मॉल लीग इन्वेस्ट कर लेते हैं भाई, लाइनअप के बाद ही पता चलता है कौन सा मैच रिस्की है, कौन सा मैच बेहतर है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्ट के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आईडियो का वेट करना है, दूसरा चीज़ फाइनल टीम का भी आपको वेट करना है टेलीग्राम चैनल पे। तो आशा करते हैं लक्ष्मी माँ विषहरी माँ ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, सारे लोगों पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को भी समाप्त करता हूँ।